हाय दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका चैनल बिजनेस नेट 7 पे। और मैं आज आप लोगों के लाया हूं 70,000 रुपये का अल्टीमेट गेमिंग पीसी स्काईलेक की ओर से, इंटेल की ओर से, जो भी बोलें आप। और किलर है 70,000 रुपये में, जिसमें GTX 970 दोस्तों मैंने शामिल किया। 70,000 रुपये में पूरे अल्टीमेट स्पेक्स के साथ जीट इंक्लूड करना काफ़ी टफ था, तभी मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो देखने के लिए जुड़े रहिए। उसके पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम उसमें ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं क्योंकि हमारी भारतीय दर्शकों के लिए होते हैं और हिंदी में होते हैं। मेरे हिसाब से आप उसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला CPU। ये हमारा i5-6600 जो कि आप देख पा रहे होंगे। और इस CPU की दोस्तों मैं क्या बात करूँ, मतलब अल्टीमेट स्काईलेक प्रोसेसर है 6th generation का, और 6 MB कैश के साथ आता है दोस्तों। इसकी बेस फ्रीक्वेंसी जो आती है दोस्तों वो 3.3 GHz के साथ आती है, और मैक्स टर्बो 3.9 तक जाता है। आप चाहें तो इसको थर्ड पार्टी, जैसे आप अपडेट ले लेते हैं बायोस अपडेट, तो उसके साथ ओवरक्लॉक कर सकते हैं अगर करना हो तो, नहीं तो ये वैसे ही इतना फास्ट है। सबसे अच्छी बात दोस्तों बता रहा हूँ इसकी, एक तो 4 कोर 4 थ्रेड हैं इसमें प्रॉपर, और केवल 65 वॉट का TDP है दोस्तों। ये इसकी खासियत है और मैंने इसलिए आज इसमें इनको इसे इंक्लूड किया है। तो ये देखते हुए दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं बताया आपको। 14 NM आर्किटेक्चर के साथ भी आता है, इसकी वजह से इसका TDP भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि तो मैं बता चुका हूँ आपको 65 वॉट है। और इस चीज़ के लिए दोस्तों ये हमारा प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। ये K सीरीज़ नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं इसको ओवरक्लॉक करना ही है, और जैसे मैंने बताया अगर आप ओवरक्लॉक करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी में लेटेस्ट जनरेशन गेम्स में CPU की तरफ से बात करूँगा अगर, तो CPU की तरफ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगले 3 साल तक, या आप लिख के रख लीजिए। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों इसकी ये है कि इसका जो टर्बो फ्रीक्वेंसी 3.9 तक जाता है, वो ओवरक्लॉक टच करेंगे भी नहीं, तो ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। और 4 कोर 4 थ्रेड हैं, 4 कोर प्रोसेस आजकल बहुत नेसेसरी हो गया है लेटेस्ट जनरेशन गेम्स के लिए, वेटिंग के लिए। बेसिकली हम प्राइमरी इसको गेमिंग के लिए मैंने बनाया है, और आप इसमें अच्छी खासी ठीक ठाक एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा CPU था दोस्तों। अगला हम चलेंगे दोस्तों हमारे मदरबोर्ड की ओर, जो आपकी देख पा रहे होंगे। ये है हमारा मॉडल नंबर असूस कंपनी की तरफ से H110MC। ये इंटेल सॉकेट 1151 को सपोर्ट करता है, जो कि हमारा CPU भी करता है। और दोस्तों इसकी एक सबसे बेस्ट बात बताता हूँ, ये 2 DIMM स्लॉट के साथ आता है, जो कि 32 GB तक की मेमोरी सपोर्ट करता है। अगर हम फ्यूचर में एक्सपेंडेबिलिटी चाहें तो हम जा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये DDR4 है और 2133 MHz तक सपोर्ट करता है दोस्तों। 2 DIMM स्लॉट, 32 GB और 2133, और 4 6 SATA GB वेस कनेक्शन आते हैं, USB 3.2 सपोर्ट आता है, जो कि बेसिक फीचर्स हैं। और 5910 में दोस्तों काफ़ी अच्छा डील है। और हमारा जो पिछला आपने CPU देखा होगा उसके साथ में बताया, बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, तो मतलब काफ़ी किलर था। और इसमें हम कोई SLI तो करने वाले नहीं हैं इस बजट में, तो या क्रॉस फायर हम कुछ करेंगे नहीं, तो उसको देखते हुए भी काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर अपग्रेडिंग में ये सबसे बेस्ट है 270,000 को देखते हुए, क्योंकि अब आगे देखेंगे। तो आगे चलेंगे दोस्तों हमने रैम की ओर। ये मैं इस बार गया हूँ, देख पा रहे होंगे G-Skill RAM, 1 Stick G-Skill RIP JOS DDR4-2133, और जो कि मैं 8 GB मेमोरी की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों अभी भी काफ़ी है 8 GB का स्टिक। मैं बता रहा हूँ तकरीबन आपको 2 से 3 साल 8 GB रैम के साथ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप बेसिकली जो ये रिग है जो आप बनाएंगे या रिफर में लेंगे, तो वो तकरीबन आप 1080p तक सपोर्ट कर सकते हैं, या 2560x1440 जो कि हमारे 2K होता है कॉड HD, उधर तक सपोर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा बॉटलनेक आ सकता है, या परफॉर्मेंस इश्यूज थोड़े आ सकते हैं, वो भी मैं कहूँगा नहीं आएंगे, क्योंकि आप अगर डिसेंट सेटिंग्स में 4K में करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, मगर बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस 4K में मिल नहीं सकता दोस्तों। 70,000 रुपये में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 70,000 कोई कम बजट भी नहीं है, कोई ज़्यादा बजट भी नहीं है, एवरेज बजट है, जो कि हम अच्छे खासे गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए, और हमने जो पार्ट्स लिए उसके लिए। तो रैम की बात कर रहे थे दोस्तों हम, तो रैम 8 GB जैसे मैंने बताया काफ़ी है इसके एरा को देखते हुए। अगर आप चाहें तो फ्यूचर में भी इसी का रिप जॉस का G-Skill का एक 8 GB का 2133 MHz का स्पीक आप ऐड कर सकते हैं। तो हम आगे चलेंगे दोस्तों, इसमें मैंने SSD भी शामिल करी है दोस्तों।
हमारी SSD जो है वो 240 GB की है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसका मॉडल है UV300 किंगस्टन की तरफ से। 10 गुना फास्टर स्पीड है दोस्तों मैकेनिकल हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में। 7200 RPM जो हमारा मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होता है उससे 10 गुना फास्ट है। दूसरी बात, आपको रीड उससे क्या मतलब है, उससे रीडिंग राइटिंग स्पीड आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। आप इसमें अपना OS रखेंगे तो काफ़ी स्नैपी परफॉर्मेंस देगा उसमें। और 240 GB तो 3 से 4 गेम तो बनते ही हैं। और बेसिकली गेम्स और आप क्योंकि आजकल बहुत काफ़ी बड़े हो गए हैं गेम के साइज़, तब 4 से 5 गेम तो मान लीजिए, और OS आपका तो काफ़ी स्नैपी है दोस्तों। और इसको आपको बार बार कोई डिफ्रेगमेंट करने को हम बोलते नहीं हैं SSD को, क्योंकि ये रिकमेंडेड है ही नहीं कि SSD को डिफ्रैग किया जाए जो हम करते हैं हार्ड ड्राइव को। तो इसके लिए इसकी परफॉर्मेंस बहुत उच्चतम रहती है। और 4220 रुपये में दोस्तों 240 GB का काफ़ी किलर डील है, तो आप इसमें अपनी काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। और जो बड़ी चीज़ें रख रहे हैं दोस्तों, उसके लिए हमने मैकेनिकल हार्ड ड्राइव भी शामिल करी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये मैकेनिकल हार्ड ड्राइव दोस्तों काफ़ी अच्छी है। 2 TB की मैंने इसमें मैकेनिकल हार्ड ड्राइव डाली दोस्तों। 2 TB बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ। 70,000 रुपये का आप गेमिंग PC बना रहे हैं, आपको 240 GB की SSD मिल गई, 2 TB का हार्ड ड्राइव मिल गया दोस्तों, और क्या चाहिए। 2 TB में आप अपना म्यूजिक, गेम्स, वीडियोस जो रखना चाहे रख सकते हैं, मूवीज जो रखना चाहे रख सकते हैं, इवन कुछ कुछ गेम्स में आप बैकअप भी ले सकते हैं, आपको जो करना है आपके ऊपर है। 2 TB आपको भरने में मेरे को नहीं लगता है कम से कम 2 साल का समय तो लगेगा। और जिस तरीके का गेम्स आजकल आते जा रहे हैं उसको देखते हुए 2 TB भी कुछ नहीं, मगर 70,000 का बजट को देखते हैं दोस्तों, 7200 RPM का 64 MB कैश के साथ सीगेट का हमारा हार्ड ड्राइव काफ़ी अच्छा रहेगा, 5425। तो दोस्तों हम आगे चल रहे हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर, जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे आप लोग, वो है हमारा GTX 970। जी हाँ दोस्तों, GTX 970 इसमें मैंने शामिल किया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका कॉस्ट है दोस्तों सबसे पहले 24,937 रुपये। और ये कॉस्ट है दोस्तों, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने जितने ही पार्ट्स मैंने बताए हैं आपको, ये जो पार्ट्स हैं आप पहले एक बार, ये तो मैंने आपको ऑनलाइन स्टोर के में लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा वो तो है ही, पर पहले आप जहाँ भी रहते हो मैं ये कहना चाहूँगा, आप पहले अपने लोकल मार्केट्स में भी थोड़ा पता करिए। हो सकता है, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया था कि मुझे जैसे GTX 970 और भी सस्ता मिला है, तो ये 24,937 का ज़ोटेक की ओर से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर उसको एक बार लोकल मार्केट में आप पहले पता करिएगा, अगर आपके आसपास कोई है तो, नहीं तो कोई हमारे पास चारा ही नहीं है कि हमें ऑनलाइन से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी मैं बात बता रहा हूँ, ये एकदम लगभग मान लीजिए रेफरेंस मॉडल है, और इसमें 2 कूलर ड्यूल फैन डिज़ाइन है इसका दोस्तों। आप इसको फर्दर ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और GTX 970 दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत बहुत हाई परफॉर्मेंस कार्ड है दोस्तों। इसको समझ लीजिए आप 90-95% 1080p में आप कोई भी गेम हो मैक्सड आउट कर देंगे, सब चीज़ें गुडीज हम जो बोलते हैं सब चीज़ों के साथ, MSA, FXA, जो भी सुपर सैम्पलिंग, anti-aliasing, सब छोटी मोटी सब चीज़ें आप बिल्कुल क्रैंक कर सकते हैं हाई तक। और इसका मैं बात करूँ थोड़ी स्पेक्स की ओर, तो बेस फ्रीक्वेंसी दोस्तों 1076 MHz आता है। बूस्ट क्लॉक आता है दोस्तों 1216 MHz पे। मेमोरी क्लॉक है तो 7010 है। 4 GB का DDR5 मेमोरी है, ये डिबेट में नहीं करूँगा। 3.5 GB है 4 GB, मगर 4 GB काफ़ी अच्छा है। मेमोरी इंटरफेस दोस्तों 256 बिट मेमोरी इंटरफेस है, डायरेक्ट X12 तो होना ही है। तो और इसमें जो पोर्ट्स आते हैं उसमें DIY, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट्स के साथ आता है दोस्तों। ड्यूल फैन है जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ डिज़ाइन को, आप मेरे कोई भी लेटेस्ट जनरेशन जैसे मैंने बताया आपको गेम 90-95% आप कोई भी गेम, 5% मैंने कुछ आड़े टेढ़ों गेम के लिए जो ऑप्टिमाइज नहीं होते। और हम 1440p की दोस्तों आज बात करेंगे, उसमें भी आप हाई सेटिंग्स में इस कार्ड के साथ खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1440p की हम बात कर रहे हैं आज। और 1440p मतलब 70,000 रुपये में बहुत ही रेयरिटी रहती है कि आप खेल पाएं। इवन आप 4K भी खेल सकते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मीडियम सेटिंग्स में आप कर लें या थोड़ी सी और लो में भी कर सकते हैं, क्योंकि 4K में आपको बिल्कुल anti-aliasing ऑन नहीं करना पड़ता। तो सबसे ज़्यादा फ्रेम्स खाता है वो anti-aliasing, वो आपको 4K में नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मीडियम से। और कोई कोई गेम तो आप मैक्सड आउट कर देंगे 2K में भी, और 4K में भी जो कोई पुराने गेम है मैक्सड आउट कर देंगे। तो इतना पावरफुल कार्ड है दोस्तों GTX 970।
तो ये जोटेक की तरफ से लिया है दोस्तों, इसे मैं बता आपको और आप बहुत और एंथुजियास्ट है तो आप इसको फर्दर ओवरक्लॉक कर सकते हैं, काफ़ी ओवरक्लॉक्ड आते ही है और ज़्यादा ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफिक कार्ड था दोस्तों, खतरनाक बोलते हैं ना एकदम, 24,937 रुपये में सबसे अल्टीमेट कार्ड था। और हम दोस्तों आगे चलेंगे, अपने अपने कार्ड देख चुके हैं, उसके बाद हमें दो चीज़ें और बची हैं, एक बचा है पावर सप्लाई पहला और फिर बचा है केस। तो हम पावर सप्लाई की दोस्तों बात करें तो मैं इस बार गया हूँ कूलर मास्टर की तरफ से, B600 इसका सीरीज़ है, क्योंकि तो आपको एक दो साल की वारंटी मिल जाती है। और सबसे बेस्ट बात बताऊँ दोस्तों, 85% एनर्जी एफिशिएंसी साथ, इसका मतलब क्या होता है 80+ BAM सर्टिफाइड हो गया। और दूसरी बात दोस्तों बताऊँ इसकी, जो इसका +12B रेल आता है वो आपको ओवरलोडिंग जो हो जाती है कभी कभी आपके स्पेक्स कंप्यूटर्स में, तो उससे भी बचाता है आपको। ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मैं यही रिकमेंड करूँगा, 600 वॉट हमारे इस चीज़ के लिए, इस बजट के लिए काफ़ी बराबर रहेगा दोस्तों। और छोटी मोटी चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे SSD फ्यूचर में चाहें तो, या हार्ड ड्राइव या कोई छोटे मोटे पेरिफेरल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आप जैसे मैं बताया आपको SLI तो आप करेंगे नहीं, तो 4,384 रुपये में दोस्तों काफ़ी क्लियर डील है। और हम लास्ट चलेंगे दोस्तों हमारे केस की ओर, क्योंकि हमारा कूलर मास्टर N400, और दोस्तों इसकी क्या बात बताऊँ, काफ़ी ज़बरदस्त केस है। तकरीबन मैं बता रहा हूँ आपको, 8 फैन आपके सपोर्ट हो जाएंगे, और 8 फैन में आप मान लीजिए फुल फ्लैश्ड फ्रंट पैनल आता है दोस्तों। पहली बात मैं बताऊँ, 8 फैन की भी बात करूँगा मैं आपसे, फुल फ्लैश्ड फ्रंट पैनल आता है, इसका मतलब आप उसको अपने सुविधा अनुसार साफ करके लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और डस्ट फिल्टर है, क्योंकि जो आपकी डस्ट है वो आपको अंदर जाने नहीं देगा। और इसमें 240 mm का आप लिक्विड रेडिएटर कूलिंग भी लगा सकते हैं चाहिए तो, जैसे मैंने बताया था आप, हमारा CPU है, थर्ड पार्टी बायोस के साथ ओवरक्लॉक हो सकता है। आप अगर एक अच्छा कूलर लगाएं जैसे Hyper 212 या लिक्विड कूलर Corsair का लगाएं, H80i या H100i GTX ऐसा कोई लगाएं आप, तो वो भी 240 mm का लिक्विड कूलर है, वो भी सपोर्ट करेगा इसको। और या तो आप नहीं लगाना चाहते तो दो उसमें 120 mm के फ़ैन लगा सकते हैं राइट साइड में टॉप की तरफ, और 120 mm का लिक्विड कूलर भी सपोर्ट करता है रेयर पे पीछे की तरफ। और सबसे बेस्ट बात मैं बताता हूँ दोस्तों इसकी, इसमें 3 डस्ट फिल्टर आते हैं टॉप राइट बॉटम में, इजी मेंटेनेंस हो जाता है उसकी वजह से काफ़ी। 12.5 इंच तक का आप कार्ड इसमें लगा सकते हैं, 2 फैन प्री इंस्टॉल्ड आते हैं दोस्तों आगे और पीछे की तरफ एक एक, वैसे आगे 2 लगते हैं मगर 1 फैन इंस्टॉल्ड आ रहा है, तो आप और एक एक्स्ट्रा सीरीज फ़ैन खरीद सकते हैं। और इसमें मैं दोस्तों जो बता रहा हूँ, एक RGB लाइटिंग भी आती है दोस्तों, अगर आप करना चाहें वॉल डेकोरेट, क्योंकि दिखने में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें साइड पैनल नहीं इसलिए मैंने इसमें जोड़ा नहीं RGB लाइटिंग, वैसे रहते हैं कोई कोई कि बहुत अंदर से कूल दिखने के लिए रखते, उसके लिए थोड़ा साइड पैनल की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने RGB में सोच रहा था RGB लाइटिंग वाला भी करें। तो आप चाहे तो दूसरे केस में भी जा सकते हैं, इसकी सबसे अच्छी इसका जो अंदर कूलिंग आपको बनेगी, और जो फैंस आते हैं उसके आपको कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसमें ऐड करा दोस्तों। 2 USB 3.0 का भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, और जो एक्स्ट्रा फ्लो सीरीज़ है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा कूल रखेंगे, आपके अंदर की जो भी स्पेक्स जो आपने कंपोनेंट डाले हैं उसको भी अच्छा कूल रखेंगे। 8 फैन में बता चुका हूँ आपको, ये सब मिलाएं तो आप तकरीबन 8 फैन सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों किलर अल्टीमेट 70,000 रुपये का स्काईलेक गेमिंग PC बिल्ड April 2016 के लिए यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप बेफिक्र भेजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आपकी सहायता करने मुझे हमेशा बहुत सुख प्राप्त होता है दोस्तों। और दूसरी बात, और मेरा फ़र्ज़ है दोस्तों कि आप लोगों की सहायता करना और आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराना, और आपका भी छोटा सा एक फ़र्ज़ है दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कृपया लाइक करना ना भूलें, आपके इस लाइक से हमें पता चलता है कि हमारा कंटेंट जो आपको दे पा रहे हैं वो कैसा है। और अगर ये आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन या आपका एक लाइक इस हमारे चैनल को कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, और हम close to 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं दोस्तों। ये चाहे देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी, मगर मेरे लिए ये 100 सब्सक्राइबरों की अचीवमेंट बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी कीमत, और आगे भी ये 100 सब्सक्राइबरों की कीमत होगी, क्योंकि ये 100 लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि 89 तकरीबन मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं दोस्तों। तो आपके एक एक सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिलते जा रहे हैं तो हम 100 की तरफ बढ़ेंगे, तो ये 100 जैसे बोलते हैं हिंदी में बूंद बूंद से,
पानी का घड़ा भरता है। वैसे ये 100 सब्सक्राइबर मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ मायने रखते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आपके वीडियो देखने के लिए। मैं ये कहूँगा जैसे कि हमेशा की तरह बने रहिए, जुड़े रहिए आपके वीडियो देखने के लिए। लाख लाख धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, मेरे अपने इंडियन भाई को सपोर्ट करने के लिए लाख लाख धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।